दोस्तों आज हम वीडियो में देखेंगे कि वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस वाइब्रेशन अगर हम मशीन के लेते हैं तो वाइब्रेशन लेने के कितने टाइप्स हैं, है ना। तो वाइब्रेशन लेने के दोस्तों हमारे पास वाइब्रेशन मेजरमेंट के दो तरीके होते हैं, है ना। एक होता है वेलोसिटी मेथड, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक होता है वेलोसिटी, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी मेथड का यूनिट क्या होता है दोस्तों, मिलीमीटर पर सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूनिट क्या होता है दोस्तों, माइक्रोन्स। सो व्हाट इज माइक्रोन्स, माइक्रोन्स इज 10^-6 ऑफ ए मीटर। ठीक है, और वेलोसिटी इज वेलोसिटी मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन लेने के हमारे तरीके होते हैं दोस्तों। अब इन वाइब्रेशन को हम कहां कहां हॉरिजॉन्टल लेते हैं, वर्टिकल लेते हैं और एक्सियल लेते हैं, एक्सियल वाइब्रेशन। और डिस्प्लेसमेंट वाइब्रेशन आप जिस भी डायरेक्शन से लो वो डिस्प्लेसमेंट ही दिखाएगा। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट वाइब्रेशन 10^-6 ऑफ ए मीटर होता है दोस्तों, और वेलोसिटी वाइब्रेशन मिलीमीटर पर सेकेंड होता है। तो मिलीमीटर पर सेकेंड में सबसे सेफ लिमिट क्या मानी जाती है कि अगर 5 mm/s से नीचे का वाइब्रेशन है तो हम ये मानते हैं कि मशीन इज सेफ। और माइक्रोन्स में अगर हम बोलें, अगर 35 माइक्रोन्स से नीचे का वाइब्रेशन है तो मशीन इज 100% एब्सोल्युटली सेफ। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दो चार एग्जांपल से कि से मेरा एक टरबाइन है, टरबाइन का रोटर है। ठीक है, इस रोटर में मैं वाइब्रेशन प्रोब से रीडिंग ले रहा हूं। ये वाइब्रेशन प्रोब इसको टच नहीं करेगा, नॉन टच सेंसेशन रहेगा ये। ठीक है, नॉन टच, ये टच नहीं करेगा इसको। वाइब्रेशन प्रोब है यहाँ पे और ये वाइब्रेशन प्रोब 35 माइक्रोन्स की रीडिंग मेरे को दिखा रहा है, और टर्बाइन का रोटर शाफ्ट या किसी भी इक्विपमेंट का रोटर शाफ्ट अपने फुल आरपीएम पे घूम रहा है, फुल आरपीएम रिवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, जितना उसका फुल आरपीएम है उस पर घूम रहा है। तो ये 35 माइक्रोन क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, 35 × 10^-6 ऑफ ए मीटर, या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसको 35 × 10^-6 इंटू मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, दिस मच मिलीमीटर। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये रीडिंग आएगी 0.035 मिलीमीटर। मींस क्या है, इसका जो सेंटर है, इस सेंटर से ये जो शाफ्ट है अपने सेंटर से रोटेशन के टाइम में कई बार 0.035 mm डिफ्लेक्ट हो जा रही है, डिफ्लेक्शन फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये 35 माइक्रोन का मतलब होता है दोस्तों। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, से आपकी टर्बाइन या जनरेटर कोई भी बेरिंग है, अगर वो आपको इसका ये सेंटर है, अगर वो आपको बता रहा है कि 90 माइक्रोन्स मेरा वाइब्रेशन चल रहा है, सो दैट इज इक्वल टू 90 × 10^-6 ऑफ ए मीटर, या मैं ये बोलूं 90 × 10^-3 ऑफ मिलीमीटर, या मैं ये बोलूंगा 0.09 मिलीमीटर। मींस ये जो सेंटर है, ये सेंटर अपनी पोजीशन से साइड वाइज किसी भी साइड में 0.09 mm डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, सो ये बात हो गई दोस्तों माइक्रोन्स की, डिस्प्लेसमेंट वाइब्रेशन, डिस्प्लेसमेंट प्लस नॉन टच, ये टच भी नहीं हो रहा जो हमारा लेने का तरीका है। तो ये होता है सर दोस्तों डिस्प्लेसमेंट वाला वाइब्रेशन। अब सेकेंड हम आ जाते हैं टच करके जो हम वाइब्रेशन लेते हैं, टच वाइब्रेशन, और ये लिया जाता है जनरली हाउसिंग के बाहर। ये रोटेटिंग पार्ट को टच नहीं करता है, पार्ट नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, और ये मिलीमीटर पर सेकेंड या वेलोसिटी में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलीमीटर पर सेकेंड में लिया जाता है, है ना। अब इसको लेने का कैसा है, जैसे आपका कोई बेरिंग है, से बेरिंग इज देयर, ये रोटेटिंग शाफ्ट है, इस रोटेटिंग शाफ्ट को कोई प्लम्बर ब्लॉक पकड़ के रखा हुआ है, ये प्लम्बर ब्लॉक ऐसा। ठीक है, ये रोटेटिंग शाफ्ट है, ये प्लम्बर ब्लॉक इसको पकड़ के रखा हुआ है, और ये रोटेटिंग शाफ्ट के इर्द गिर्द बॉल बेरिंग भी है। ठीक है, इस बेरिंग
हाउसिंग में हम क्या करेंगे, वाइब्रेशन लेंगे, ऊपर से ले रहे हैं तो इसको बोलते हैं वर्टिकल, साइड वाइज इधर से ले रहे हैं तो ये होता है हॉरिजॉन्टल। और इसी का जब आप ये आपने ऐसा व्यू देखा, जब आप इसका साइड वाइज व्यू देखेंगे, साइड वाइज व्यू, जैसे साइड वाइज व्यू ये हाउसिंग है, ठीक है, ये हाउसिंग है, ये रोटेटिंग शाफ्ट है, इसके ये बेरिंग लगे हुए हैं, ये मैं बेरिंग को ऐसा क्रॉस बार कर देता हूं, ठीक है, और ये हाउसिंग है। अगर मैं इसके इधर से वाइब्रेशन लेता हूं जो शाफ्ट के इस डायरेक्शन के मोशन को बता रहा है, तो ये होता है एक्सियल वाइब्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो इन सारी कंडीशंस में, ये एक्सियल हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, हर कंडीशन में 5 मिलीमीटर पर सेकेंड से ज्यादा का वाइब्रेशन अगर है तो आपको बेरिंग की लूजनेस, अलाइनमेंट और मास्टर लेवलिंग सब कुछ चेक करना चाहिए। सो 5 मिलीमीटर इज सेफ लिमिट। तो दोस्तों दो प्रकार का वाइब्रेशन, पहला तो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट में हम वाइब्रेशन कैसे नापते हैं, दूसरा वेलोसिटी में हम वाइब्रेशन कैसे नापते हैं। डिस्प्लेसमेंट वाले में 35 माइक्रोन इज सेफ लिमिट और वेलोसिटी वाले में 5 मिलीमीटर पर सेकेंड इज सेफ लिमिट। ये दो क्राइटेरिया आप लोग जब भी अपने प्लांट में वाइब्रेशन के एनालिसिस करते हैं दोस्तों, वाइब्रेशन की लीडिंग आपके जो नीचे वाले लोग या आप खुद लेने अगर जाते हैं तो आपको ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि 35 माइक्रोन से अगर कम किसी रोटरी डिवाइस का वाइब्रेशन है तो वो हेल्दी मशीन है, और 5 मिलीमीटर पर सेकेंड से अगर किसी का वेलोसिटी में हम ले रहे हैं तो वो हेल्दी मशीन है, और एल्स मशीन हैज टू बी चेक। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।